आज हमारे पास में ग्राफिक चिप वाला लैपटॉप वापस आया सोनी कंपनी का, और इस तरह के फॉल्ट हमारे पास में आते ही रहते हैं, तो सोचा क्यों ना आज इस पर इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि क्यों हमारे पास ये लैपटॉप आया है और क्या कारण से आया। तो ये डीसी मशीन में लगा रहा हूँ इसमें, और ये मैं लैपटॉप को यहाँ से ऑन कर रहा हूँ। तो देखिए लैपटॉप ऑन हो चुका है, लाइट जल चुकी है, और मशीन ने एम्पियर भी ले लिया यहाँ पर आप देख सकते हैं, और डिस्प्ले भी आ चुका है इसमें। तो आइए मैं दिखाता हूँ डिस्प्ले इसमें कैसे आया, एक बार आप थोड़ा सा पास आ जाइए। देखिए स्क्रीन में कहीं पर कुछ भी नहीं आ रहा है, स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक है जैसा कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं। और जो कैप्स लॉक है हमारा, तो इसकी लाइट यहाँ से मैं ऑन ऑफ करूँगा, तो देखिए ऑन ऑफ हो जाएगी यहाँ से भी। अभी इसमें शायद विंडो का लोगो आ रहा होगा अभी। तो अभी इसमें विंडो का लोगो आ रहा है इसलिए शायद ये थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ये देखिए मैं यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर रहा हूँ, तो लाइट ये ऑन ऑफ हो रही है। और बाहर वाला कीबोर्ड लगा के भी आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये बाहर वाला कीबोर्ड मैं लगा रहा हूँ। ये मेरे पास यूएसबी कीबोर्ड है, ये देख सकते हैं आप। लेकिन स्क्रीन पे कहीं भी कुछ भी नहीं आ रहा है। तो कस्टमर हमारे पास आने से पहले दूर से आए, कस्टमर काफ़ी 500 किलोमीटर दूर से आए, तो वो बता रहे हैं कि मैंने गांव में स्क्रीन चेंज करा ली है, और ऐसा कोई लैपटॉप था उसकी केबल भी उन्होंने चेंज कर ली है। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा कि जो परेशानी है वो मदरबोर्ड में ही है, जो प्रॉब्लम है वो मदरबोर्ड में। तो आइए इसको खोल के चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है और कैसे ठीक होगा। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, लेट्स स्टार्ट। तो फाइनली हमारा लैपटॉप का मदरबोर्ड बाहर आ चुका है, और आप देख ही पा रहे हैं कि इसकी जो प्रोसेसर की जो पेस्ट लगी है काफ़ी ज़्यादा सूख चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो रहा है। तो ग्राफिक चिप का अब हम काम करेंगे,
तो सबसे पहले हम इसमें फ्लक्स डाल देंगे थोड़ी देर के लिए। और सीमोस जो बैटरी है इसका वायर हमने यहाँ से हटा दिया है, प्रोसेसर को बाहर निकाल लेंगे। तो ये प्रोसेसर को मैं बाहर निकाल रहा हूँ और रैम को निकालने कोई आवश्यकता नहीं है। और अब हम इसको करेंगे रिबॉल। तो फाइनली हमने जो लैपटॉप का जो मदरबोर्ड है रिबॉलिंग के लिए हमने लगा दिया, फ्लक्स डाल दिए। कम से कम 10 मिनट का समय हो चुका है, अब हम इसको रिबॉल करेंगे। तो जो मैंने SMD का जो टेम्परेचर रखा है वो लगभग रखा है 300 के आसपास, और थोड़ी देर बाद में मैं इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ा दूंगा। तो यहाँ से मैं हीट देना इसको शुरू कर रहा हूँ। तो ये हीट मैं दे रहा हूँ यहाँ से इसको, और लगभग 2 से 3 मिनट तक मुझे हीट देनी है इसको यहाँ से कंटिन्यू। अब कंटिन्यू इसमें हीट लग रही है और धुआं बाहर निकलने लग गया, पेस्ट जलने लग गई है। इसी टेम्परेचर में हम एक बार ऊपर से भी इसमें हीट लगा देंगे। और अब मैं इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ, 300 से 350 कर रहा हूँ धीरे धीरे मैं। और 350 हो चुका है और धीरे धीरे मैं इसका टेम्परेचर और बढ़ा रहा हूँ। लगभग मैं 400 तक लेके जाऊँगा इसका टेम्परेचर, 435 अभी मैंने कर दिया है, ये 435 मैंने अभी कर दिया है जैसा कि आप देख रहे हो, 435 अभी इसका टेम्परेचर है। और ये चिप हमारी रिबॉल होने को है, और थोड़ा सा हमें चिप को हिलाना होगा, इसको बिल्कुल धीरे धीरे इसको ऐसे हिलाना है। और आप चाहे तो चिप को, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ से भी इसको हिला सकते हैं, और नहीं है तो आप हल्का हल्का इसको ऐसे टच करेंगे तो इससे चिप आपकी रिबॉल हो जाएगी, जो कोई बॉल ड्राई होगी वो सही सेट हो जाएगी। और एक्सपीरियंस है तो आप चिमटी से भी इसको बॉल को हिला सकते हैं। और ये रिबॉल हो चुका है, कम से कम इसको 10 मिनट ठंडा होने देंगे। एक बार इसको 10 मिनट के लिए इसको रख दिया गया है, उसके बाद हम इसका डिस्प्ले चेक करेंगे। लगभग 5 से 10 मिनट का समय हो चुका है, और जो चिप पर हमने काम किया था वो चिप भी ठंडी हो चुकी है। तो आइए हम इसका डिस्प्ले चेक करते हैं। तो डिस्प्ले चेक करने से पहले ये जो सारी चीज़ें हमें प्रोसेस दोबारा से करना होगा, जो पेस्टिंग है वो दोबारा साफ करके यहाँ पर लगानी है। और ये जो पंखे की जो जाली है ये जाम होगी, इसमें कचरा होगा तो वो भी हमें साफ़ करना है। तो पहले एक बार हम इसको साफ़ कर लेते हैं। तो ये एक बार हम साफ़ कर लेते हैं इसमें से। तो ये जो हीट सिंक है इसके फ़ैन के हमें स्क्रू ओपन करना है, और स्कैन करने के बाद ये जो स्क्रू है ये हमें निकाल देने हैं। और ये फ़ैन की जाली मैं ओपन करता हूँ, तो ये देखिए लैपटॉप ख़राब होने का बहुत बड़ा कारण यही है कि यहाँ पे इसमें डस्टिंग हो जाती है, एयर पास नहीं होती, और इसलिए हमारा लैपटॉप ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखने की, जब भी आपका लैपटॉप ओवर हीट हो, गर्म हो, तो आप एक बार सर्विस ज़रूर कराएँ। तो ये हमें यहाँ से निकाल देना है इसमें से। और इसको एक बार ब्रश से अच्छे से साफ़ कर देना है, जिससे कि ये दोबारा से प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और आप देख सकते हैं जाली बिल्कुल क्लीन हो चुकी है।
और अब हम इसको पैक कर देंगे वापस से। ये हमें स्क्रू लगा देना है इसमें। जितने भी ग्राफिक की प्रॉब्लम आती है वो फ़ैन जाम होने की वजह से ही आती है या फिर वेंटिलेशन नहीं हो पाता उस वजह से ही आती है। तो अगर आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा ओवरहीट कर रहा है, गर्म हो रहा है साइड से, या 5 मिनट में बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो प्लीज़ आप अपने नियर बाई शॉप पर जाए उसको चेक करवाएँ। और आप मेरी दुकान पर भी आ सकते हैं अगर आप जयपुर में रहते हैं तो। तो अब हम इसका डिस्प्ले चेक करेंगे। स्क्रू लगने को तैयार है, बस ये लास्ट स्क्रू है, इसको लगा देता हूँ। और अब हम इसका डिस्प्ले चेक करेंगे। तो एक बार मैं पेस्टिंग नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक बार इसका डिस्प्ले चेक करना है, उसके बाद ही मैं पेस्टिंग वगैरह लगाऊंगा यहाँ पर। जब डिस्प्ले आ जाएगा स्क्रीन में तब हम इसकी पेस्टिंग कर देंगे इसमें। तो एक बार मैं इसको ऐसे ही लगा दे रहा हूँ। प्रोसेसर के ऊपर जो हीट सिंक है वो लगाने के बाद हमें यहाँ पे पेच लगाने हैं इसके। अब हम इसका डिस्प्ले एलईडी में चेक कर लेते हैं एक बार। और ये दो पेच है वो इसकी जो बॉडी है उसे फिट होने के बाद ही लग पाएंगे। तो थोड़ा सा हमें हाथ से दबा के रखना होगा हीटिंग को ऑब्जर्व करने के लिए। थोड़ा सा हम कैमरा इधर ले लेते हैं हमारे सेटअप पर। तो और ये एलईडी आ चुकी है हमारे पास में, बोर्ड को हम सेट कर लेंगे। ये डिस्प्ले केबल हमने लगा दी है और ये पावर का जैक लगा दिया है। ये केबल्स मैंने इसमें लगा दी है। अब हम इसका फाइनली डिस्प्ले चेक करेंगे एक बार। ये मैंने इसमें पावर लगा दिया है और हीट सिंक को थोड़ा सा मैं ऐसे प्रेस कर लूँगा क्योंकि जो चिप है इसकी ग्राफिक कार्ड वाली इसमें पेच नहीं लगे हुए हैं। और हम इसको यहाँ से ऑन कर लेंगे। ये लैपटॉप ऑन हो चुका है। अब हम देखते हैं इसमें क्या डिस्प्ले आएगा या नहीं आएगा। ये देखिए इसमें डिस्प्ले आ चुका है और हमारा लैपटॉप सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। अगर आप भी अपना लैपटॉप रिपेयर करवाना चाहते हैं तो आप मेरी दुकान पर आ सकते हैं। मेरा एड्रेस है विनायक कंप्यूटर, G73 ग्राउंड फ्लोर, रायसर प्लाजा, जयपुर। और इस तरह के हम नए नए वीडियो आपके लिए बनाते ही रहते हैं। अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।